किया है। मैंने 18 वेबिनार किए अमेरिका के साथ और जर्मनी और इटली और इंग्लैंड के साथ में। और जहां तक ये बात है कि जो लोग ब्लेम करते हैं कि मिस्टर ट्रंप हैज नॉट फेयर्ड वेल विद दिस, उन्होंने कभी मास्क नहीं पहना, मैं इसमें पूरी तरह से विश्वास नहीं करता हूं। जो इस समय की जरूरत है, दुनिया का भारत का दुश्मन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। अगर मिस्टर ट्रंप इज रेडी एंड ही इज वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स चाइना, दैट इज द रीजन वी वांट दैट दिस पार्टी व्हिच इज सो कॉल्ड रिपब्लिकन पार्टी शुड कंटिन्यू। क्योंकि अगर ये चेंज होता है समथिंग लाइक बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी जो हमारे होता है, तो ये मुद्दा जो कि बहुत बड़ा विश्व के लिए मुद्दा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो डाइल्यूट हो जाए। इसलिए भावनाओं के हिसाब से मिस्टर ट्रंप को रहना जरूरी है। जबकि देखा जाएगा आगे की बात है, कोरोना ने जो तबाही अमेरिका में मचाई, इंडिया मचाई, इटली मचाई, फ्रांस में सेकेंड वेव आ गई, अमेरिका में सेकेंड वेव आ गई, इफ इट इज चाइना वायरस जो कि उन्होंने कहा है, वी रियली वॉन्ट, आज कोरोना आया है, परसों सोरोना आएगा, फिर तोरोना आएगा, फिर पुराना आएगा, दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर हैज टू फिनिश। एंड आई फील मिस्टर ट्रंप इज लिटिल एक्सेंट्रिक, आई वुड से आई कैन यूज दिस वर्ड, वो खुद भावनाओं से खेलते हैं, शायद उनमें ऐसी हिम्मत है कि चाइना को टक्कर दे पाए और चाइना को इस बात के लिए चुप करा पाए कि आपको केवल इकोनॉमी की जरूरत है, आपकी इकोनॉमी बढ़ गई, बाकी की इकोनॉमी तबाह करने के लिए आपने इनोसेंट्स मार दिए। दिस इज द फीलिंग विच वी वॉन्ट। अगर ये जो बिडेन में भी ये फीलिंग है, देन वी हैव नो प्रॉब्लम विद जो बिडेन कैन ऑल्सो हैव द सिमिलर फीलिंग। बट आई डाउट बिकॉज मिस्टर ट्रंप ने झेला है, उन्होंने पूरे एक साल भर जो मार्च से शुरू हुआ, फरवरी में आए थे जब यहाँ पे आई वॉज ऑन टीवी आप ही के साथ बैठा हुआ था 24 फरवरी को जब आगरा में बात हो रही थी, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। डॉक्टर विवेक, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ